आज मैं लेके आई हूँ हरे आम की सब्जी। तो हरे आम की सब्जी ये अचार की तरह बिल्कुल बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं सब्जी किस तरीके से बनाऊँगी वो आप लोगों को आज सिखाऊँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं पहले अमिया को ले लेती हूँ, ये तीन अमिया रखी हुई है, इनको ले लेती हूँ। इसको ही छील लेती हूँ, एक अमिया ये दाल के लिए और दूसरी ये तीन अमिया है वो भी कलमी है। तो कलमी अमिया को मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो बस ये ज़्यादा खट्टी नहीं होती है, कलमी जो अमिया बोली जाती है वो ज़्यादा खट्टी नहीं होती है। तो इसको मैं कट करके मैं इसको सब्जी छोड़ूँगी। तो मैं तो इसको कट कर लेती हूँ और कट करके ये अच्छे से देख सकते हैं आप लोग। तो मैं इसको कट करती हूँ, बस बहुत जल्दी ही कट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कट कर चुकी हूँ और दूसरी बेमिया को कट कर लेती हूँ। इसके अंदर बिजली को भी निकाल देती हूँ और धुल के सुखा लिया था अमिया को। और इसमें वैसे इसमें बिजली जो अंदर होती है ये भी बड़ी काम की होती है, उसको भी रखते जाइए। तो बताते हैं, तो मैं इसको कट करके रख चुकी हूँ। तो अब तीसरी अमिया की बारी हुई है तो उसको भी कट कर लूँगी। तो ये अमिया मेरी कट हो चुकी है, अब चलते हैं। तीसरी अमिया भी कट कर लिया है और इसको भी बिजली निकाल दिया है। और बिजली भी इसमें बहुत ही बेहतरीन बनती है, बिजली ये बिजली भी जब अचार जब बनता है तो बिजली भी डाल दी जाती है। तो इसको मैं कट कर चुकी हूँ, अब इसको मैं धुल लूँगी अमिया को, फिर से धुल लूँगी और इसको सब्जी जो हम बनाते हैं तो बिल्कुल अचार की तरह है और बहुत ही टेस्टी। और इसमें बच्चे बच्चे सब खाना के साथ में खा लेते हैं, कुछ लोगों से दाल सब्जी तब भी अचार की तरह ये आम अचार की तरह हो जाते हैं। और बिल्कुल मसाला वाले आम, बहुत ही मसाले वाला आम की टेस्टी सब्जी, तो बहुत ही सुंदर बनती हुई है। तो मैं इसको भी कट कर लेती हूँ, ये दाल के लिए कट कर लिया है। तो मैं इसको दोनों को कट हो चुका है मियाँ। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मियाँ को कट कर चुकी हूँ और इससे बस तीन अमियाँ हैं और इसको कट कर ही किया है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हरा हरा आम है। और इसको मैं एक पैन चढ़ाती हूँ, उसमें ऑयल डालती हूँ, ऑयल डाल के उसमें तो हरा आम मैंने इसको डाल दिया है। तो मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा को डाल देती हूँ। जब तेल गर्म हो जाए तब जीरा को डाल देती हूँ। और बहुत ही गर्म होने वाला है तेल, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा सा जीरा डाल दीजिएगा। और जीरा डाल के फिर मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर मेरा पड़ चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी मिर्चा, धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसमें अमिया को छोड़ देती हूँ और ज़रा देर इसको ढक देती हूँ। और उसके बाद में ये बन के तैयार हो जाता है अचार, ये खाने वाला बहुत ही बढ़िया टेस्टी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक भी डाल देती हूँ, न ज़्यादा न थोड़ा।
एकदम परफेक्ट। तो इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद में मैं चल, तो मेरा आम झोंक चुका है और इसको छौंका लगा दिया है। अब मैं इसको कछली को रख देती हूँ, उसको ढक देती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी को ऐड कर देती हूँ, ये क्योंकि ये सब्ज़ी है इस वजह से मैं इसमें पानी को ऐड कर देती हूँ। और इसको थोड़ी देर के लिए ये गल जाए अमियाँ कस के, तो मैं ये लहसुन वाली अमियाँ भी इसमें ऐड करूँगी। तो मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है, क्योंकि पानी डाल दिया था इस वजह से ये अच्छी बन गई है। थोड़ी देर भूल गई थी तो ये जल चुकी थी, तो माफ़ करना। मेरे अचार कैसा बन, बहुत बढ़िया अचार बन चुका है। और देख सकते हैं मैं इसको सर्व भी कर चुकी हूँ, और मैं कटोरी में भर के तैयार करके रख भी लिया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये मियाँ तो